यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज टिहरी में कांग्रेस जनों ने विभिन्न समस्याओं और कांग्रेस जनों की अनदेखी को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि आज बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की सह पर कांग्रेस की अनदेखी की जा रही है, साथ ही विपक्ष द्वारा मुद्दे उठाने पर कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी द्वारा हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के बावजूद उन पर कोई मुकदमा नहीं किया जाता है। वहीं जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व मंत्री सुरबीर सिंह सजवाण, जोत सिंह बिष्ट, प्रताप नगर के पूर्व विधायक विक्रम नेगी, घनसाली के पूर्व विधायक भीमला आर्य ने भी अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं एवं बातें जिलाधिकारी के सामने रखी। प्रवासियों को लोन लेने में हो रही दिक्कतों के बारे में भी जिलाधिकारी को बताया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने ज्ञापन लेते हुए कार्रवाई की बात कही। सरकार और शासन सरकार बदलती है, लेकिन शासन जो है लगातार कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रताप नगर विधानसभा के जो कार्य हमारी सरकार ने हमने स्वीकृत किए थे, जिन पे धनराशि जारी हो गई, जैसे कि नवोदय विद्यालय का जियो जारी कर दिया, लेकिन आज तक कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। प्रताप नगर में 3 वानिकी के प्रोजेक्ट, 1 प्रेशर परिसर, 1 शोध प्रसार केंद्र और 1 कृषि ज्ञान केंद्र स्वीकृत हुए, उन पर धनराशि जारी हुई, लेकिन आगे न तो कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति हुई, ना आगे उस पर धनराशि दी। जड़ी बूटी शोध संस्थान का सब सेंटर हमने सेम नागराजा धाम में खोला, उस पर सब कुछ जारी कर दिया, धनराशि भी जारी कर, लेकिन आगे का पैसा जारी नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी सड़कें वहाँ स्वीकृत की गई, लेकिन उनका अभी आज तक वो आवागमन के लिए तैयार नहीं हो पाई। ऐसी बहुत सारी सड़कें जिनका प्रथम चरण स्वीकृत किया गया, लेकिन उस पर द्वितीय चरण की धनराशि नहीं दी गई। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो कि स्वीकृति देने के बाद भी उन पर काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए आज प्रताप नगर विधानसभा इस सरकार के कार्यकाल में 20 साल पीछे चली गई। जिन योजनाओं का निर्माण होकर तैयार हो जाना चाहिए था, आज उन पर धनराशि न देना सरकार का सीधे तौर पर जो भारी जनमत मिला है उसका अपमान है, और उस मतदान का जो जनता को घोर उपेक्षा हो रही है ये आज देखने को मिला। जिलाधिकारी को ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के, इनके नेताओं के की बात, जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जिलाधिकारी से कहा गया कि आपके अधिकारियों को सबकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि जनहित के मुद्दों के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी तो इस समय सत्ता में है, वो सत्ता के मद में रहती है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको उनकी बातें आप ज़्यादा सुनते हैं। तो हमने ये बात कही, नंबर 2 बात ये कही, अभी ये डोबरा चांटी पुल की बात कर रहे थे, डोबरा चांटी पुल का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ है। डोबरा चांटी पुल को के लिए सर्वप्रथम मैंने पैसा स्वीकृत करवाया जब मैं पुनर्वास मंत्री था, और उसके लिए मैंने इंजीनियर्स को वहाँ कलकत्ता भेजा कि हावड़ा जाओ और हावड़ा के पुल को देख के आओ। तो उसमें फूल सिंह जी का भी योगदान था, उनकी मांग थी, उनकी डिमांड थी, और मैंने अधिकारियों के माध्यम से उसको स्वीकृत करवाया। तो जो पुल उस जमाने में स्वीकृत हुआ, और फिर समय जब भी कांग्रेस की सरकार आई तब उसके लिए धन दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी आज वाई वाई लूटना चाहती है। उनको तो ये मालूम ही नहीं है इसके इसको कितने इंजीनियर्स ने इसकी ड्राइंग बनाई है, और कितनी बार ड्राइंग जो ठेकेदार थे वो ड्राइंग के अनुसार नहीं चल पाए, तो फिर दूसरी ड्राइंग बनाई गई। इसलिए हम इनसे ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक टिहरी जिले का सवाल है,
टिहरी जिले को जो हमारी पुरानी टिहरी थी उसके मैं जब मंत्री बना तो पुरानी टिहरी के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जहाँ जहाँ बसाया जाना था, उससे पहले जब भाजपा की सरकार थी उन्होंने नगद लोगों को उनकी संपत्ति का नगदीकरण भुगतान किया, जो 3 लाख 2 लाख 4 लाख इससे ज़्यादा किसी का नहीं था। मैंने वो जो नगदीकरण वाला था जो 10% भी जिनका रह गया था वापस लौटाया और उनसे ब्याज से वो जमा करवाई धनराशि और उनको जो संपत्ति दी है जिनको जो भूमि दी है कृषि प्लॉट दिए हैं वो अब उस समय 3 लाख मिला था, आज वो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के हैं। देखिए जिले में इस सरकार के कार्यकाल में एक नहीं बल्कि अनेक समस्याएं हैं। मैंने धनोल्टी विधानसभा का दौरा करीबन 60 से ज़्यादा गांवों पर किया, वहां पर जो प्रवासी लोग बेरोजगार होकर के गांव में आए हैं तो उनके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से जो योजना लॉन्च की उसमें अभी तक एक भी आदमी को बैंक से लोन नहीं मिल रहा, बैंक लोन देने को मना कर रहा है। तो जब आप एक योजना लॉन्च करते हैं और विभागों का आपस में समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तो बेरोजगार को दर दर भटकना पड़ेगा और उसकी जेब का पैसा खर्च होगा और वो परेशान होगा। एक सवाल हमने जिलाधिकारी जी से ये किया। दूसरा, ये जो चार धाम यात्रा मार्ग बन रहा है चंबा से लेकर तिनैली शौर तक टिहरी जिले की सीमा में अनेक पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हैं, उन पेयजल योजनाओं के मरम्मत के साथ साथ वहाँ पर जो कस्बों में धूल उड़ रही है उसके लिए पानी के छिड़काव की बात की। और तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मनरेगा में लेबर कंपोनेंट का तो भुगतान हो रहा है लेकिन सामग्री के पैसे का भुगतान नहीं हो रहा, जो प्रधान निवर्तमान हो चुके हैं उनके कार्यकाल के दो दो वित्तीय वर्ष का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया, तो उसका भुगतान करने के लिए मैंने जिलाधिकारी से आग्रह किया। ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन पर समाधान निकलना चाहिए। आपके पास यही जनपद में एक तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का जनपद है, उसके साथ साथ जो कोविड 19 कोरोना वायरस बीमारी जब आई उसके बाद जो जनपद की समस्याएं बढ़ी है और प्रशासन सिर्फ कोरोना वायरस की तरफ ध्यान दे रहा है, कोविड 19 की तरफ ध्यान दे रहा है और जो समस्याएं आई खासकर जो नौजवान है जो आज सारा बेरोजगार हो गया है जनपद, आज विभागों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी अपनी मनमानी चल रही है। हमने आज जिलाधिकारी महोदय को एक मुलाकात की और मुलाकात के माध्यम से उन्हें ये निवेदन किया कि जो आपके विभागीय लोग हैं विभागीय सिस्टम है उसमें किसी तरह की जो है दोहरी नीति ना अपनाई जाए, जो एक मानक है जो एक क्राइटेरिया उसके अनुसार काम होनी चाहिए और खासकर कांग्रेस के लोगों की किसी भी रूप में कोई अनदेखी ना हो। और अगर किसी रूप में अगर अनदेखी हुई भाजपा के लोग जो है हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा है लेकिन कांग्रेस के लोगों पर आप मुकदमे कर रहे हैं, आप मुकदमे कीजिए एक नहीं 100 कीजिए लेकिन उन पर भी कीजिए ना जो भाजपा के लोग जो है भांति भांति के कार्यक्रम कर रहे हैं और उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आज हमने जिलाधिकारी के सामने की और भविष्य में और बड़े स्तर पर अब इस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। टीम यूके लाइव टीडी।